जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस को कवर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राइज इन रीजनल एस्पिरेशंस पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसमें जो हमें रीजनलाइजेशन देखने को मिला है उसे कवर करेंगे। तो हमने पहले दो पार्ट्स में भली वो पंजाब बोलिए है ना, उसी तरीके से बाकी जो रीजन है उसमें जो रीजनलाइजेशन हमें देखने को मिला है, जम्मू कश्मीर बोलिए, तो वो हमने कवर किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहां पर जो रीजनलाइजेशन है, वहां पर जो एक सेपरेट स्टेट की मांग है, ये भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट जाता है। हालांकि हमने इसकी बहुत सारी चीजें जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें कवर की भी है, लेकिन यहाँ पर हम रीजनलाइजेशन पर्सपेक्टिव से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उन्हें कवर करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM Academy ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और फॉलो करना है। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सबसे पहले तो मैप में हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखते हैं तो ये पूरा पार्ट जो आपको कलर इसमें दिखाई दे रहा है वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसमें हमें अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता है चाइना के साथ। चाइना जो है वो क्लेम करता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें आसाम जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें मेघालय देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें नागालैंड देखने को मिलता है, मणिपुर देखने को मिलता है, मिजोरम देखने को मिलता है और त्रिपुरा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सिक्किम जो है वो भी देखने को मिलता है। और खासकर ये अगर हम बात करें तो ये है चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है या फिर चिकन नेक जो है ये भी कहा जाता है। ये चिकन नेक कनेक्ट करती है मेनलैंड इंडिया जो इधर का इंडिया है प्लस यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। मतलब समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई इश्यू हो जाए, यहाँ पर अगर कोई कब्जा कर ले तो हमारा जो कनेक्शन है, क्योंकि फिर हमें जाने के लिए जगह कौन सी है, जाने के लिए हमें बांग्लादेश के थ्रू, क्योंकि ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश के थ्रू ही जाना पड़ेगा है ना। और इसीलिए यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, यहाँ से जो एक वाटरवे है उसका यहाँ पर मतलब जो गठन है वो किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक जो है वो देखने को मिलता है अगर हम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और इसीलिए हमने इंटरनेशनल रिलेशन में देखा था जब भूटान, वहां पर जब डोकलाम इशू हुआ था, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें यहां पर इसके करीब जो है वो चाइनीज सोल्जर्स आने की कोशिश कर रहे थे, और यहां पर अगर करीब आकर इस पर वो कब्जा कर लेते देन हमारा जो कनेक्शन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ वो यहां पर खतरे में आ सकता था। इसी वजह से हमने भी वहां पर अपना इंटरफेरेंस जो है वो दिखाया और उस वजह से डोकलाम स्टैंड ऑफ जो है वो हमें देखने को मिला था। खैर, तो यहां पर जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, खासकर अगर हम बात करें तो नागालैंड एंड मिजोरम, क्योंकि यहां पर नागास एंड मिजोस इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हमने कवर किए हुए थे। तो यहाँ पर नागालैंड एंड मिजोरम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि इतने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो प्रॉपर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, उनकी कैपिटल जो है वो कौन कौन सी है, इसमें भी काफी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पता रहना जरूरी है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो ये जो रीजन है, लॉट ऑफ चेंजेस यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिले हैं 1947 से लेकर अब तक। त्रिपुरा बोलिए, मणिपुर बोलिए, खासी हिल जो है मेघालय का, ये मेघालय हमें देखने को मिलता है। खासी अगर हम हिल देखते हैं तो ये यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स जो यहाँ पर इंडिया जब इंडिपेंडेंस उसको मिला उसके बाद मर्ज हो गए। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय पर कई सारे प्रिंसली स्टेट्स हमें इंडिया में देखने को मिल रहे थे, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स है बाद में इंडिया में वो शामिल हो जाते हैं। एक्सेप्ट 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने भारत को ज्वाइन करने से नकार दिया था, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद जो है उसको भी कब्जा कर लिया गया, जूनागढ़ को भी कर लिया गया, एंड जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपको कहानी जो है पूरी की पूरी पता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कई सारे प्रिंसली स्टेट्स हमें देखने को मिल रहे थे, देन उसके बाद उन्होंने भारत को ज्वाइन कर लिया। एंटायर रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट का वो कंसिडरेबल पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर हमें देखने को मिला है। क्योंकि क्या था कि ब्रिटिश काल में कई सारी जगहों पर ब्रिटिशर जो उन्होंने कब्जा, देन उसके बाद जो फाइट है वो वहां पर की थी, एंड देन उसके बाद वहां पर जो लोकलाइट लोग रह रहे थे, खासकर अगर हम बात करें नागालैंड बोलिए, मिजोरम बोलिए, जो लोकलाइट लोग वहां पर रह रहे थे वहां पर उन्होंने सेपरेट स्टेट जो है उसकी भी वहां पर मांग की, और उसी वजह से कई बार इंसर्जेंसी भी हमें देखने को मिली है जो हमने हमारे इंटरनल सिक्योरिटी कोर्स में कवर किया हुआ है। नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्रिएट किया गया 1963 में। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं, त्रिपुरा की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं तो 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेपरेट स्टेट बनते हैं 1987 में। और यहाँ पर अफवाह जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर सोल्जर जो होते हैं, आर्मी जो होती है, उनको खुली छूट दी जाती है
कि अगर उनको किसी पर भी संशय होता है तो वो उसको शूट भी कर सकते हैं। पार्टीशन जो है इंडिया का 1947, उसने नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड रीजन जो है वहां पर बनाकर रख दिया। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक लैंडलॉक्ड रीजन जो है वो बन जाता है। इस तरफ हमें चाइना, इस तरफ हमें जो मणिपुर अपना जो म्यांमार है, देन उसके बाद इधर जो हमें बांग्लादेश देखने को मिलता है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लैंडलॉक बन जाता है। और जहां पर लैंडलॉक्ड रीजन आ जाता है, लैंडलॉक्ड मतलब क्या है, सभी तरफ से लैंड से वो घिरा हुआ है, कहीं पर भी उसका पानी के साथ कनेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे बांग्लादेश जो है पानी के साथ कनेक्शन है, इंडिया अगर आप देखोगे तो वहां तो तीनों तरफ से पानी जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। अगर आप सदर्न पार्ट देखते हैं बॉम्बे, मतलब यहाँ पर गुजरात से लेकर तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक, तो इस तरीके से क्या है कि पूरी तरीके से पानी जो है उससे इंडिया हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पर लैंडलॉक्ड हो जाते हैं, मतलब वहां पर जमीन जो है उससे घिरे रहते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है उससे भी यहाँ पर कट ऑफ, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे अभी तो खैर कई सारे ट्रांसपोर्टेशन जो मीन्स है वो ओपन हो जाते हैं, लेकिन पहले अगर आप देखोगे तो ये चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इसी पर डिपेंड रहना पड़ रहा था हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए। अब ये जो रीजन है इसको काफी बार निग्लेक्ट किया गया, मतलब जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है, क्योंकि क्या था कि भाई पहले इधर के जो रीजन है उनको डेवलप कर लो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, निग्लेक्ट किया गया डेवलपमेंटल इसमें। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा सफर हुआ है। मतलब सोचिए आप कि इतने सालों तक एयरपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा था, रेलवे लाइन देखने को नहीं मिल रही थी, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? जो भी हमें प्रोडक्ट्स वहां पर ट्रांसपोर्ट करने हैं, डेली नीड्स के प्रोडक्ट बोलिए, जो भी बेसिक नीड्स है वो प्रोडक्ट्स बोलिए, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लगेगी। ना ही अच्छे रोड थे, ना ही एयरवेज फैसिलिटीज थी, ना ही रेलवे फैसिलिटी थी, तो फिर जाएंगे कैसे? तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंटल वाइज ये जो रीजन है काफी ज्यादा सफर होता हुआ हमें देखने को मिला। हिस्टोरिकल कनेक्शन अगर हम देखते हैं तो हिस्टोरिकल कलेक्शन जो है नेशनल ट्राइब्स नॉर्थ ईस्टर्न में लार्जली ऑफ टिबेटो बर्मन मंगोलॉइड जो स्टॉक है जो साउथ ईस्ट एशिया के क्लोजर है देन टू साउथ एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो हमें देखने को मिलता है उसके क्लोजर ये जो पूरा पैच है वो हमें देखने को मिलता है। एथनिकली लिंग्विस्टिकली कल्चरली बोलिए तो बहुत डिस्टिंक्ट है बाकी अगर हम इंडिया के स्टेट देखते हैं तो उनसे। इसलिए कई बार क्या होता है कि जो अगर हम एथनिसिटी भी देखते हैं तो उधर के साइड जो है हमारा साउथ ईस्ट एशिया जो है उससे कनेक्टेड होता हुआ देखने को मिलता है। और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि उनको जबरदस्ती से चिढ़ाया जाता है कि भाई तुम तो चीनी टाइप दिखते हो या फिर म्यांमार जो है उस तरीके के दिखते हो। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। खैर लेकिन है तो सब भारतीय ही। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अगर आप देखोगे तो कई सारे जो लोग हैं उन्होंने नाम काफी ज्यादा बड़ा किया है, भारत का नाम जो है वो रोशन किया है, भले वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या किसी भी फील्ड में हो। कई सारे लोग जो है वो सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्ट होते हैं, कई सारे लोग स्पोर्ट्स में भी सिलेक्ट होते हैं और कई अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर कल्चरल आई थिंक डाइवर्सिटी जो है ये यहाँ पर आर नॉट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का कॉज नहीं है कि भाई ये बस चिढ़ा दिया और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मेजर प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है कि नॉर्थ ईस्ट टेरिटरीली ऑर्गेनाइज इन सच अ मैनर दैट एथनिक एंड कल्चरल सिग्निफिसिटीज आर इग्नोर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेलिनिएशन ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज 1950s। इसके वजह से क्या होता है कि अपनी ही आइडेंटिटी पर वो शक करने लग जाते हैं, मतलब भारत जो है उससे वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग की प्रोसेस थी उस समय पर उनको एलिनिएट किया गया था, उस समय पर उनको दूर रखा गया था, उस समय पर उनको इंटीग्रेट नहीं किया गया था, और इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि हम भारत का हिस्सा नहीं है। और इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो रीजनलिज्म है, जो सेपरेटिज्म है, वो वहां पर डेवलप हो जाता है। इन्फ्लक्स जो है माइग्रेंट्स का, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है कि जब भी जो नेशन होता है, देश होता है, वो किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ, समझ लीजिए कि अगर पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, ठीक है, अब दोनों बच्चों से अगर वो इक्वल प्यार कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक आधे बच्चे को प्रेफरेंस दे देते हैं कि भाई तुम जो है वो करो, तुम अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, दूसरा जो बच्चा होता है वो एलिनिएट होना शुरू हो जाता है, वो ऐसा समझता है कि इनको कदर ही नहीं है, है ना। तो क्या होता है कि हेट्रेड जो है वो वहां पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। सेम उसी तरीके से देखिए जो देश होता है, जो नेशन है, वो एक्सटेंडेड वर्जन एक फैमिली का, एक फैमिली के ऊपर जो लागू होता है वही एक्सटेंडेड वर्जन में एक देश पर भी लागू होता है। उसी तरीके से अगर कंट्री जो गवर्नमेंट होती है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर अगर फोकस ना करे, डेवलपमेंट के लिए ना देखे, तो वो जो पर्टिकुलर रीजन है उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो हम पर ध्यान नहीं दे रही है, गवर्नमेंट जो है वो हमारा अच्छा नहीं चाहती है,
उसकी वजह से वो क्या चाहते हैं, वो अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स वहां पर क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर उसके ऊपर माइग्रेंट जो है, जैसे होता है ना बच्चा जो है जिसको आइलिनेट किया जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से प्यार नहीं करते हैं, देन उसको बाहर से कुछ दोस्त मिल जाते हैं, वो यही बोलते हैं कि हाँ भाई हाँ 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 तेरे से प्यार नहीं करते हैं, तेरे कुछ ध्यान नहीं देते हैं, हम तेरा ध्यान देंगे, तो उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर माइग्रेंट जो उनका भी इन्फ्लक्स यहाँ पर शुरू हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स है ये भी यहाँ पर इंसुलेटेड रहेगी। एट द सेम टाइम मोस्ट स्टेट जो है रीजन का वो मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिला माइग्रेंट्स के इन्फ्लक्स की वजह से। जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां से जो माइग्रेंट्स है वो निकल कर आए, और वो आने की वजह से क्या हुआ, और ज्यादा समस्या वहां पर क्रिएट हो गई। बैकवर्डनेस रेस्ट ऑफ द इंडिया अगर हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर काफी बैकवर्डनेस जो है वो भी हमें देखने को मिला। रीजन जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पर ध्यान जो है वो ज्यादा नहीं दिया गया, डेवलपमेंटल प्रोसेस जो उसको निगलेक्ट की गई, आइसोलेशन जो है वो वहां पर रखा गया। बैकवर्डनेस अगर हम बाकी कंट्री के कंपैरिजन में देखते हैं तो यहाँ पर बैकवर्डनेस काफी ज्यादा हमें देखने को मिली। जो डिमांड्स है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई जो भी उन्होंने डिमांड्स की। इंटरनेशनल बॉर्डर, वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, वीक कम्युनिकेशन जो है नॉर्थ ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया के बीच में, उसकी वजह से यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है काफी डेलिकेट होती गई। तीन इशू जो है डोमिनेट किए पॉलिटिक्स को, डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी चाहिए हमको अलग से यहाँ पर हमारा जो रूल है, हमारा जो शासन है वो करना है। मूवमेंट ऑफ सेक्शन एंड अपोजिशन टू आउटसाइडर्स, क्या हो रहा था कि यहाँ से जब लोग अंदर जा रहे थे, यहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे थे, क्या हुआ, मतलब आसाम की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली वहां पर जो हमें NRC देखने को मिलती है ना, हमें आसाम अकॉर्ड देखने को मिलता है, तो वो बेसिकली क्यों है, क्योंकि जब 1971 का लिबरेशन वॉर हुआ था उस समय पर कई सारे लोग जो है वो बांग्लादेश से निकलकर जो आसाम है वहां पर बस गए थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड जगह, लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड खाना, लिमिटेड सब कुछ, उसमें लोग जो है पॉपुलेशन जो है सडनली राइज हो गई। उसकी वजह से जो वहाँ के लोकलाइट लोग हैं उनको यहाँ पर दुख होने लगा, वो यहाँ पर चिढ़ने लगे कि यार ऐसे कैसे है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज पे, हमारा जिस पे अधिकार है वो बाहर के भी लोग अगर यहाँ पर रह रहे हैं। उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना, उसकी वजह से कई सारे विद्रोह हुए, उसकी वजह से आसाम अकॉर्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है, और ये जो प्रोसेस है NRC की वो सब अभी भी हमें कंटिन्यू कुछ साल पहले तक होती हुई देखने को मिली है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं कि जो आउटसाइडर्स है उनका अपोज करना, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं से निकल कर आई। अब गवर्नेंस का इशू जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट पास्ट एंड ऑनगोइंग प्रोसेस अगर हम देखते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, स्टेट बिल्डिंग की, डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की, वो यहाँ पर एग्रीवेट होती है कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो रीजन में। कि भाई नेशनल इंटीग्रेशन कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल लोग जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट कल्चर है। अब उनको अगर हम थोपेंगे कि नहीं भाई तुमको इंटीग्रेट होना है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। स्टेट बिल्डिंग में बोलिए, कंसोलिडेशन में बोलिए, फॉर इंस्टेंस अगर हम देखते हैं 8 स्टेट्स जहाँ नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेटेड नियरली 40 मिलियन, जो 40 मिलियन यहाँ पर पॉपुलेशन है, वह जो लैंग्वेज में वैरी करती है, रेस में वैरी करती है, ट्राइब्स में, कास्ट में, रिलीजन में, रीजनल हेरिटेज में, इसलिए क्या है कि यहाँ पर उन सभी को एक साथ यहाँ पर लेकर आना, होमोजिनिटी लेकर आना, ये यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है वो हो जाती है। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें काफ़ी सारी समस्या जो है वो हमें देखने को मिलती है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है, जो सेंटर के द्वारा की जा रही थी, वो भी यहाँ पर काफ़ी लैक हो रही थी। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो 6 शेड्यूल ऑटोनॉमस काउंसिल है वो जो इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पर मल्टीपल पावर सेंटर्स क्रिएट हो गए। क्या हुआ, एक ऑटोनॉमस काउंसिल दे दी गई कि भाई तुमको ऑटोनॉमस काउंसिल रहेगी, 6 शेड्यूल, हमारे जो 6 शेड्यूल है ना उसके ऑटोनॉमस काउंसिल रहेगी। अब उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ही, देन उसके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी है, देन उसके बाद यहाँ पर ऑटोनॉमस काउंसिल भी है, मल्टीपल पावर्स हो गए। अब ऑटोनॉमस काउंसिल जो है, अब ये यहाँ पर क्या करेगी भाई, मॉडिफाई करेगी, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया मॉडिफाई कर देगी, खत्म कर देगी, खारिज कर देगी, तो ये कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर शुरू होना शुरू हो गए थे। मोरओवर अगर हम देखते हैं तो 6 शेड्यूल का पैरा जो 12A है क्लियरली बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लेटर वुड प्रिवेल, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो यहाँ पर प्रिवेल करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी वो यहाँ पर प्रिवेल करेगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो आती है, प्रोटेस्ट जो है वो तो होता ही है। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो सोचिए कि वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको, तो अब वो इनकी सुनेंगे तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, तो इसलिए प्रोटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये ज़्यादा होने लगते हैं। जो मैंने आफ्सपा का आपको बताया था, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो लागू किया गया, क्योंकि इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही थी है ना, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है वो हमें देखने को मिल रही थी, और उसके लिए आफ्सपा लगाया जाता है।
अप्लीकेशन जो इस एक्ट का, वो इनएबिलिटी रिलक्टेंस जो है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पर दिखाता है कि वो एडिक्वेट पॉलिटिकल मेजर्स नहीं ले पा रहे थे इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ये आर्म्ड फोर्स पुलिस स्पेशल पावर एक्ट क्या है, 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को, जो आर्म्ड फोर्सेस है हमारे, उनको एक स्पेशल पावर देता है कि वो अगर किसी पर भी उनको संशय होता है तो उसको सीधी गोली मार सकते हैं, उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। ये तो नॉर्मली क्या होता है, एज पर आर्टिकल 21 हमें एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, तो अगर कोई भी हमें गोली या फिर इससे मारने की कोशिश करता है तो कार्यवाही होती है कि क्यों उसे मारा गया, है ना, बिना किसी ड्यू प्रोसेस के। लेकिन यहाँ पर बिना किसी ड्यू प्रोसेस के भी उसको मारा जाएगा, फिर भी उस पर कोई भी कार्यवाही जो है वो नहीं होगी, डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो जहाँ पर इंसर्जेंट एक्टिविटीज होती है वहां पर डिक्लेयर किया जाता है। ये मणिपुर में 1980 से हमें देखने को मिलता है, है ना। तो इस तरीके से चीजें जो है वो होती है। स्पेशल पावर क्या है, यहाँ पर ऑफिसर को यहाँ पर पावर दी जाती है कि बेसिकली किसी को भी यहाँ पर मार सकते हैं। फायर अपॉन और यूज फोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन टू एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया, है ना। अरेस्ट सस्पिशियस पर्सन विदाउट वारंट, नहीं तो क्या है, आपको अगर अरेस्ट किया जाए तो आपको वारंट के साथ अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट जो है वो किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय एनी स्ट्रक्चर, जो उनको घर या स्लम कोई भी अगर ऐसा लगता है कि भाई ये सस्पिशियस है, ये खतरनाक है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सर्च जो है बिना किसी वारंट के एविडेंसेस के वो भी कंडक्ट जो है वो किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये हमें देखने को मिलती है। अस्पा ये पास किया गया था 1958 में शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए, लेकिन ये कई सालों तक कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिला, और इससे ये पता चलता है कि भाई मेजर जो है वो सही तरीके के लेने में यहाँ पर असक्षम रही। जो ऑटोनॉमी है उसका डिमांड यहाँ पर चलता रहा कि भाई हमें ऑटोनॉमी चाहिए। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एंटायर रीजन जो है एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये स्टेट ऑफ आसाम जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था मणिपुर और त्रिपुरा छोड़कर, मतलब बेसिकली कौन सा पार्ट, तो ये वाला पार्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये छोड़कर बाकी जो है वो हमें आसाम का जो रीजन है वो हमें देखने को मिल रहा था, है ना। और ये आसाम का रीजन जो है उसकी वजह से क्या हुआ, एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, क्योंकि इतना बड़ा रीजन है, तो एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई कि हमको यहाँ पर ऑटोनॉमी जो है वो चाहिए। जब नॉन आसामी जो, उनको लगा कि आसाम गवर्नमेंट जो है वो आसामी लैंग्वेज उन पर इम्पोज कर रही है, भाई आसाम जो है उनकी गवर्नमेंट आसामी इम्पोज कर रही है, तो नॉन आसामी लोगों को लगा कि ये तो गलत है, है ना। इसलिए क्या हुआ, जो राइट्स है वो हमें देखने को मिले, अपोज जो है वो हमें देखने को मिला, लीडर जो है मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज को, उनको सेपरेशन जो है आसाम से वो यहाँ पर चाहिए था, और ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन जो है वो फॉर्म होता है, जो बाद में ट्रांसफॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस 1960 में। उन्होंने यहाँ पर ट्राइबल स्टेट जो है उनको यहाँ पर आसाम से बाहर निकाला जाए ऐसा बोला गया। फाइनली एक ट्राइबल स्टेट के बजाय सेवरल स्टेट जो है वो यहाँ पर आसाम के बाहर हमें देखने को मिले, और आज हमें इतने स्टेट जो है वो देखने को मिलते हैं। आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट, लार्ज स्केल माइग्रेशन जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वो हमें देखने को मिला, उसका कारण मैंने आपको बताया था, है ना। तो लोकल कम्युनिटी जो है वो आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में खड़ी हो गई। ये जो लेट कमर्स है आइदर फ्रॉम इंडिया या फिर अब्रोड, ये यहाँ पर एनक्रोच करने लगे कि रिसोर्सेज जो है, जो कम रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन पर यहाँ पर आने लगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो लोकल्स है उनको कम, भले वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, भले वो खाना हो, भले वो कोई भी रिसोर्सेज हो, कॉम्पिटिशन डेवलप ज्यादा होने लगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खतरे में आने लगी। ये जो इशू है ये पॉलिटिकल सिनारियो इसको मिल जाता है, वॉयलेंट फॉर्म में ये चला जाता है, और फिर उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है। आसाम क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो हो जाता है फॉर इयर्स, बिकॉज जो लोग हैं उनको डर था कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी है आसामी की वो यहाँ पर खतरे में आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्शन जो है, इंसर्जेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो मूवमेंट है, कम्युनल जो सेक्शनिस्ट मूवमेंट है वो वहाँ पर शुरू हो गई, और जो समझ लीजिए वायलेंट मीन जो है वो हमें देखने को मिला। अब रीज़न क्या आते हैं, सबसे पहले तो इकोनॉमिक, आसामी जो है स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट ग्रीवेंसेस था उनका, सेवरल अंडर डेवलपमेंट जो है आसाम में, उसकी वजह से कि भाई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जो अनफेयर ट्रीटमेंट है वो उनको दी जा रही है, प्रॉपर जो फेयर ट्रीटमेंट है वो दी जानी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से निग्लेक्शन, यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है उसमें निग्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन जो है फंड्स का, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड जो है वो जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो डेवलप होने लगे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो यहाँ पर होने लगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोडक्शन बोलिए, एरिया के टी बोलिए, प्लाईवुड बोलिए, अदर कम्युनिटीज जो है वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। लेबर फोर्सेज जो है टी में, प्लाईवुड में, बाकी इंडस्ट्री में, वो नॉन आसामी देखने को मिल रहे थे। इसकी वजह से जो आसामीज है अब उनको
गुस्सा आने लगा। तो इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्रेटर शेयर है आसाम के लिए रेवेन्यूज में, वो यहाँ पर वो मांग करने लगे, एंड हायर रॉयल्टी जो है क्रूड ऑयल के लिए, लार्जेस्ट सेंट्रल फाइनेंशियल ग्रांट जो है, मतलब सब यहाँ पर ज्यादा ज्यादा वो मांगने लगे। और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बोली, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जो मूवमेंट है वो यहाँ पर काफी राइज हो गई थी। बंगाली लोग अगर हम देखते हैं, बंगाली पीपल थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड सेवरल ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद बंगाली जो है वो आसाम में सेटल हुए, डोमिनेंट पोजिशन जो है वो यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिए, जिसकी वजह से जो मेन आसामी लोग थे उनमें यहाँ पर आक्रोश जो है वो डेवलप होने लगा। ठीक है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है स्पेसिफिकली जो आसामी लोग हैं उनको, सिग्निफिकेंट जो आउटसाइडर्स है आसाम इंडस्ट्री ट्रेड वहाँ पर वो रहने लगे, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आसामी लोगों को नहीं मिल रही थी। इससे उनको ये डर था कि भाई हमारा जो कल्चर है वो यहाँ पर डाइल्यूट हो सकता है, हमें यहाँ पर काम नहीं मिल पा रहा है, हमें यहाँ पर सेकेंडरी रखा जा रहा है। इससे जो मूवमेंट है 1950 से वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर प्रिफरेंस जो आसामी स्पीकर्स को वो दिया जाए, जिनको आसामी आती है उनको दिया जाए, भले वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें रिक्रूटमेंट हो या फिर कहीं पर भी इंडस्ट्रीज में रिक्रूटमेंट हो, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जिनको आसामी आती है वो क्राइटेरिया यहाँ पर डाला जाए स्कूल्स कॉलेजेस वहाँ पर भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे एमपीएससी है ना, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर मराठी जो है उसका एक क्राइटेरिया डाला गया। मूवमेंट जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, ग्रेजुअल बिल्डिंग अप ऑफ हॉस्टिलिटी जो है बंगाली एंड आसामी स्पीकर्स के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट जो है जहाँ भी हम कोई गैप डालते हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। देन उसके बाद लॉ पास किया जाना, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। 1972 में अगर हम देखते हैं आसामी जो है उसको एक सोल मीडियम बना दिया गया इंस्ट्रक्शन का कॉलेजेस में, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। एफर्ट जो है आसामी लैंग्वेज इम्पोज करना ये बाकी लोगों पर सही नहीं बैठा, इसकी वजह से क्या हुआ, इवोल्यूशन जो आसामी एंटी इवोल्यूशन है वो यहाँ पर हैम्पर हो गई, एंड यहाँ पर एंटायर स्टेट जो है बहुत सारे हिल ट्राइब सेपरेशन जो है वो मांग करने लगे कि भाई हम पर आसामी आप थोप रहे हो, हम तो नॉन आसामी, हमको नहीं आती है, तो फिर हमको अब सेपरेट स्टेट जो है उसकी यहाँ पर मांग करनी, हमको यहाँ पर सेपरेट स्टेट चाहिए। इलीगल माइग्रेंट, जैसे मैंने आपको बताया था मेन ग्रेवेंस जो है यहाँ पर था, मैसिव एंटी फॉरिनर्स मूवमेंट 1979 में वो शुरू हो गई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने माइग्रेशन काफ़ी इंकरेज किया, क्योंकि उनको ट्री प्लांटेशन वहाँ पर लेबर चाहिए थे, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो वहाँ पर गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ, सेटल भी होने लगे वहाँ पर। बिटवीन 1939 एंड 1947 मुस्लिम जो कम्युनिस्ट है उन्होंने बंगाली मुस्लिम माइग्रेशन का इंकरेजमेंट किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर पार्टीशन ऑफ इंडिया जो उसमें बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो हासिल की। पार्टीशन लार्ज स्केल रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है पाकिस्तानी बंगाल टू आसाम यहाँ पर हमें देखने को मिला। 1971 के बाद यहाँ पर फ्रेश कंटिन्यूस एंड लार्ज स्केल इन्फ्लक्स जो है बांग्लादेशी पीजेंट्स का आसाम में हमें देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बोला था कि 1971 लिबरेशन वॉर होता है जहाँ पर जो बांग्लादेश है उसको आज़ादी मिलती है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं। एक डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, लिंग्विस्टिक कल्चरल पॉलिटिकल जो इनसिक्योरिटी है वो वहाँ पर डेवलप हो जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से जो आसामी है वो यहाँ पर मांग करते हैं कि जो आउटसाइडर्स है उनको यहाँ पर निकाल देना चाहिए, जो नॉन आसामीज है उनको यहाँ पर नहीं रहने देना चाहिए, और उसी वजह से क्राइटेरिया लाया जाए कि भाई इसके बाद जो भी आए हैं उनको स्टेट से निकाल दिया जाए, उनको अपने कंट्री में भेज दिया जाए या फिर कहीं और, लेकिन उस स्टेट में ना रखा जाए जिससे कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उस पर उनको जो आसामी है उनको यहाँ पर ना मिले। कॉन्फ्लिक्ट जो है इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से, इलीगल माइग्रेंट मेजर इशू बन गया 1979 में, जब क्लियर लार्ज नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट जो है बांग्लादेश से वो यहाँ पर स्टेट के वोटिंग लिस्ट में शामिल हो गए। मतलब अब यहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो भी अब यहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे थे। क्या हो रहा था, फेक वोटर आईडी बना बनाकर वो वोट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि नॉन जो आसामी है उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पर गवर्नमेंट बना रहे थे, जो आसामी मेन आसामी जो चाह रहे थे उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं बन रही थी, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसकी वजह से ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन जो है आसाम यहाँ पर गण संग्राम परिषद जो है का रीजनल पॉलिटिकल लिटरेरी एंड कल्चरल एसोसिएशन यहाँ पर मैसिव एंटी लीगल माइग्रेशन मूवमेंट जो है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर खड़े हो गए। डिमांड था यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आसाम की बॉर्डर को सील कर दो, यहाँ पर जो भी बाहर से आए हुए हैं उनको यहाँ पर बैन कर दो, उनको या तो वापस भेज दो, है ना, नाम जो है वोटर लिस्ट से वो खत्म कर दो, ये सब हमें देखने को मिला। तो 1985 तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है स्टेट में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली, स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, प्रेसिडेंट्स रूल कई बार इम्पोज किए गए, जो वॉयलेंट एग्रिटेशन फ्रिक्वेंट स्ट्राइक जो है वो हमें देखने को मिली, तो कई प्रॉब्लम्स आए। एंड देन उसके बाद हमें आसाम अकॉर्ड जो है वो देखने को मिलता है, जिसके तहत ये बोला गया कि हम यहाँ पर जो टोटल है वो निकालेंगे, एनआरसी जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मलसी है वो लाने में यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस किया गया, मतलब काफ़ी गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आसाम को वो पैकेजेस यहाँ पर
मतलब समझ लीजिए कि इकोनॉमिक डेवलप जिसमें सेकेंड ऑयल रिफाइनरी, पेपर मिल, टेक्नोलॉजी वॉज ऑल्सो वर्कड आउट। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर निकाली गई कि भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो फॉरेनर्स है जो आसाम में इंटर हुए 51 से लेकर 61, उनको फुल सिटीजनशिप देंगे, राइट टू वोट देंगे। और 1971 के बाद से जो आए हैं, क्योंकि 1971 लिबरेशन वॉर के बाद जो आए हैं वो इलीगली आए हैं, तो उनको हम वापस भेज देंगे, वो मजबूरी में आए तो उनको हम वापस डिपोर्ट जो है वो कर देंगे। एंट्रेंस जो है उनको डिनाई किया जाएगा, वोटिंग राइट्स, सभी चीज़ें। और पैरेलल यहाँ पर पैकेज जो इकोनॉमिक पैकेज वो भी दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड जो है, कल्चर, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए आसामी लोगों के, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। एग्जिस्टिंग असेंबली डिसॉल्व की गई, फ्रेश इलेक्शन हेल्ड किए गए, नई पार्टी आसाम गण परिषद जो है फॉर्म की गई, एंटी फॉरेन मूवमेंट जो है उसके बेसिस पर। देन उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल टर्बुलेंस जो है आसाम में वो खत्म हुआ। फ्रेश इंसर्जेंसी जो है वो यहाँ पर शुरू हुई, फॉर एग्जांपल बोडो ट्राइब जो है सेपरेट स्टेट का मांग करने लगे, ये सारी। तो बोडो का इशू जो है वो आज भी हमें देखने को मिलता है ना, कई बार वो न्यूज़ में चलता है। अब यहाँ पर लेसन जो सीखने को मिलते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो आसाम में, और उसका रिजोल्यूशन जो है वो बताता है कि कम्युनल एंड सेक्शनिस्ट मूवमेंट जो है डिसरप्टिव ऑफ नेशन कैनॉट बी अकोमोडेट एंड हैव टू बी अपोज्ड एंड डिफीटेड। क्योंकि क्या होता है, जब भी रीजनलिज्म डेवलप होता है, जब भी ऐसा कम्युनलिज्म डेवलप होता है, उस समय पर अगर उसको ख़त्म ना किया जाए, सप्रेस ना किया जाए, रिजॉल्व ना किया जाए, तो बहुत बड़ा मोड़ ले लेता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, और उसकी वजह से जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो हैम्पर होती है, वो कम होती है। जो पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी बेस्ड है लैंग्वेज के, कल्चर पर, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन पर, इनइक्वालिटी पर, वो भी यहाँ पर अकोमोडेट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर ग्रेजुअल इंटीग्रेशन के बजाय एसिमिलेशन इनटू आसाम आइडेंटिटी इज ओनली लॉन्ग टर्म एंड रियलिस्टिक सॉल्यूशन। मतलब ग्रेजुअल इंटीग्रेशन जो है वो करने के बजाय यहाँ पर आसाम आइडेंटिटी जो है उसको यहाँ पर इंक्रीज करना, वो यहाँ पर एसिमिलेट करना, वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसका भी रीजनलिज्म यहाँ पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप रिकमेंड जरूर कीजिए जो हमारा ऐप है वो, जिससे कि हमारे फैमिली जो है और ज़्यादा बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।